दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयोजक चमन राही ने कहा कि 85वीं संविधान संशोधन को लागू करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव से पूर्व अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि संबंधित वर्ग इस संशोधन को लागू करने की हामी भरने वाले दल को समर्थन कर सके। मंडी जिला में सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं ने छात्रवृत्ति घोटाले से प्रभावितों के लिए सरकार से राहत की मांग करते हुए कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं में धन के अभाव और सरकार के उदासीन रवैये पर चिंता जाहिर की है। संयोजक दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही, बल ग्राम सुधार सभा अध्यक्ष यशवंत गुलेरिया, संस्थापक वाल्मीकि समाज सुधार सभा चंद्रवीर कागरा, सरदार कुलतार सिंह, अल्पसंख्यक समुदाय संयोजक भगत राम, समन्वयक कबीर सभा ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने दलित पिछड़ों एवं कमजोर तबकों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई थी वह ठप पड़ी है। मकान बनाने के लिए अनुदान राशि पिछले एक वर्ष से नहीं मिल पा रही है। अंबेडकर भवन बनाने के लिए मिलने वाली राशि भी दूसरी मदों में खर्च की जा रही है। कमजोर वर्गों से संबंधित गांवों के लिए रास्तों और बावड़ी इत्यादि निर्माण के लिए मिलने वाली राशि भी नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरियों में से 40% नौकरियां इन वर्गों को देने का वायदा किया गया था, लेकिन यह रोजगार नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि 85वां संविधान संशोधन को तुरंत लागू किया जाए। आज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमने अपील की है कि जो 50वां संविधान संशोधन है उसको वो अभी तक लागू नहीं हुआ और उसकी वजह से हजारों लोग उससे प्रभावित होते हो रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं चाहे बेरोजगार हैं। तो ये हम अभी हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों के अंतर्गत हम राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं कि हमें आश्वासन दिलाएं कि ये जो चुनावों से पहले ये बात फाइनल टच दिया जाए कि 50वां संविधान संशोधन सीधे लागू हो ताकि जो लोगों में घुटन है वो पूरी हो सके। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की रचना करके सभी वर्गों को सभी धर्मों को बराबर की समानता का अधिकार दिया है। तो ये अधिकार जिन वर्गों से संबंधित है उनको शीघ्र मिले, ये हमने आज अपील की है सभी राजनीतिक दलों से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। और इसके साथ साथ जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो सरकारी कार्यक्रम थे, विभिन्न विभिन्न विभागों की योजनाएं थी, वो ठंडे बस्ते में पड़ी है। और जो एक आश है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी इस राज्य को पर्यटन के नज़रिए से विकसित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी मंशा है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो कंपनी वाले या विभाग वाले आनाकानी कर रहे हैं, जो काम नहीं हो रहा फोरलेन का, उससे बड़ा हमें दुख हो रहा है। और उस काम को भी फौरी प्रायोरिटी के ऊपर हो ताकि लोगों को न्याय मिले और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा हिमाचल प्रदेश विकसित हो। हवाई जहाज के जो पर्यटन के नज़रिए से सब हवाई सेवाओं के लिए हवाई अड्डे की बात चल रही है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसका कार्य शुरू होना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।